हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर डूइंग वेल। चिल्ड्रन, आई एम योर ईवीएस टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट आवर ईवीएस बुक लुकिंग अराउंड। चिल्ड्रन, डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लुकिंग अराउंड? यस, जानते हैं आप बच्चों? लुकिंग अराउंड मीन्स यू हैव टू लुक अराउंड योर सेल्फ, मीन्स आप यहाँ पे हैं। ओके, आपको अपने चारों जो जो भी चीज़ें हो रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर आसपास, उन सब के बारे में आपको अवेयर रहना है। जैसे अभी हम लॉकडाउन में क्यों हैं, कोरोना क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों फैला, कैसे बच सकते हैं, है ना। जैसे अब पिछले दिनों रेन हुई, तो रेन क्यों हुई, कैसे होती है रेन, रेन के बाद हमने इस बार रेनबो भी देखा था, तो रेनबो कैसे बनता है। ओके, या फिर डे एंड नाइट कैसे बनते हैं, या जैसे हम खाना खाते हैं, है ना, हम खाना क्यों खाते हैं, कहाँ जाता है खाना, क्या होता है अंदर जाके खाने के साथ, हम सांस क्यों लेते हैं, पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। जैसे मम्मी आपके किचन में खाना बना रही है, ओके, तो आपको दूर से ही कैसे पता लग जाता है कि आज खाने में ये चीज़ बन रही है, किस तरह से पता लगता है, कोई सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है, वो कौन सा है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अवेयर रहना है, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं इनके बारे में। ओके, यही हम हमारी ईवीएस बुक में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट चैप्टर पे। यस, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, गोइंग टू स्कूल। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आपको याद है? फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ डू यू गो टू स्कूल, एंड सेकेंड वॉज हाउ डू योर फ्रेंड्स गो टू स्कूल। क्या आपने इनके आंसर्स किए हैं, सोचा इस बारे में? यस बच्चों, जैसे ये है हमारा प्यारा सा स्कूल, आप मिस कर रहे होंगे घर में, देख लीजिए अपने स्कूल की पिक्चर को। ओके, जैसे बच्चों आप हमारे स्कूल में जब आते हैं तो कैसे आते हैं, कुछ बच्चे बसेज से आते हैं, है ना, कुछ बच्चे वैन में आते हैं, कुछ बच्चे ऑटो में आते हैं, है ना, कुछ बच्चे बाइक पर आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और कुछ बच्चे साइकिल पे आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आसपास के हैं वो पैदल आते हैं ऑन द फीट। ओके, तो इन सब मीडियम से, कुछ लैंड ट्रांसपोर्ट से और कुछ पैदल, यहाँ पर हम स्कूल में पहुँचते हैं, है ना। बट बच्चों, हम तो लैंड ट्रांसपोर्ट से बड़ा ईजली आ जाते हैं, लेकिन सी दिस पिक्चर, ये वाला जो स्कूल है आप देखेंगे, ये विद्यालय है, आप नेम पढ़ पा रहे होंगे, केंद्रीय विद्यालय कारगिल, यानी कारगिल के अंदर, ये एक जो केवी है, यहाँ पर देखो आप, आसपास आपको दिख रहा होगा, है ना, तो सोचो यहाँ देखो आसपास आपको बर्फ़ ही बर्फ नज़र आ रही है, तो कैसे यहाँ से बच्चे अपने घरों से यहाँ पे आते होंगे, सोचो। इसी तरह से बच्चों, हमारे इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा, आप जब क्लास से बाहर निकलते हैं, फोर्थ क्लास से बाहर जब निकलेंगे, तो आपको सामने एक आपको मिलेगा मैप, मैप ऑफ इंडिया, अगर आपने देखा हो, वहाँ पे आपको हमारे जो कंट्री के स्टेट्स मिलेंगे। ओके, अब जब हम यहाँ से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो मैप आना चाहिए। मैं यहाँ भी आपको मैप दिखाऊंगी, यहाँ जिन जिन स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, हम देखेंगे वो कहाँ पर हैं। ओके, जैसे ये है हमारा प्यारा सा इंडिया। ओके, देखो बच्चों, हम यहाँ पर रह रहे हैं राजस्थान स्टेट में। ओके, और उस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो स्टेट डिस्कस किया गया है, दैट इज़ आसाम। ओके, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो स्कूलों में कैसे जाते हैं, इनके बारे में हमें, हमारी जो फर्स्ट पिक्चर आपको वहाँ दिख रही थी, जो बैम्बू पर बच्चे थे,
वो उनके बारे में आपको बताया गया है। ओके, इसी तरह से काफ़ी जगह पर, जैसे राजस्थान का भी मिलेगा वहाँ पे आपको, आपको जैसे लद्दाख का भी मिलेगा, आपको उत्तराखंड मिलेगा। इस तरह से इंडिया के अलग अलग जगहों से आपको पता लगेगा कि बच्चे किन किन डिफ़िकल्टीज से स्कूलों में पहुंचते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं हमारे चैप्टर पर, स्टार्ट करते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। बच्चों, आपको कहा है आओ कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे अपने स्कूलों में पहुंचते हैं। ओके, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे आसाम के बारे में डिस्कस किया गया है। देखो ये आपको क्या दिख रहा है कॉर्नर में, कौन सा स्टेट है, आसाम, आपने देखा होगा मैप में। अब इस स्टेट में बच्चे देखो किस तरह से बैम्बू के ऊपर, एक हाथ से बैम्बू पकड़ा है, एक में इनकी बुक है, और क्या बता रहे हैं बच्चे हमें, पढ़ेंगे हम यहाँ से। इट रेन्स सो मच, बच्चे कह रहे हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। ये बच्चे कह रहे हैं कि कभी कभी तो बारिश के बाद हमारे यहाँ नी हाई वाटर होता है, जैसे घुटनों से भी ऊपर पानी चला जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, बट फिर भी वह हमें स्कूल में जाने से नहीं रोक पाता है। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड, जैसे आप देखेंगे यस, यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कभी कभी नी से भी ऊपर, जैसे ये नी है घुटना, इससे भी ऊपर पानी चला जाता है, तो फिर क्या होता है। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड, जैसे ये दिख रहा होगा एक हैंड में इन्होंने अपनी बुक को होल्ड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, एंड बैम्बू विद द अदर, और दूसरे हैंड से बैम्बू को पकड़े हुए हैं, दिखाई दे रहा है ना। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रिच स्कूल, ये कह रहे हैं हम जल्दी से, क्विकली होता जल्दी से, क्रॉस करते हैं बैम्बू ब्रिज को, ये है इनका बैम्बू ब्रिज जो बैम्बू से बना हुआ है, बैम्बू और रोप से जो ब्रिज बना हुआ है इसको ये क्विकली क्रॉस करते हैं और अपने स्कूल में पहुंचते हैं। देखा बच्चों, काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत सारी डिफ़िकल्टी से स्कूल पहुंचते हैं, हम तो बड़ा इजीली पहुंच जाते हैं, है ना। यस, आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रिक्स के ऊपर ऐसे चलना है जैसे बच्चे चल रहे हैं ना, ये देखो दिख रहा है आपको, इस तरह से ब्रिक्स रखनी है, ईंटें रखनी है, इस तरह चलना है, लेकिन हम लॉकडाउन में हैं, बाहर नहीं जाना है। ओके, हम इन एक्टिविटीज़ को बाद में करेंगे। सेकंड में आपको क्या कहा, इस तरह से ब्रिज बनाना है, बैम्बू लेने हैं, रोप लेनी है, आपको ऐसे टाई करना है और फिर बना करके उसको आपको चलना है। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही एक्टिविटी आपको अभी नहीं करनी है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज था जिसमें बैम्बू ब्रिज के बारे में बताया था, देन सेकेंड पेज। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखो आप किस जगह के बारे में डिस्कस किया गया है, पढ़ो यहाँ पर लद्दाख, पहले हम मैप में देखते हैं लद्दाख कहाँ पर है। ओके यस, मैप देखेंगे, ये हमारा इंडिया। अब चलेंगे हम ऊपर, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है लद्दाख।
अब हम इस जगह की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, इस जगह की बात कर रहे हैं। ओके, पहले हमने बात की थी जब हम यहाँ थे, बात की थी हमने असम की। ओके, इस बार हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपका एक जीके क्वेश्चन है आपके लिए। आपको ये दिखाई दे रहा है, पहले इसको हम पूरे को बोलते थे जम्मू एंड कश्मीर, है ना, पहले ये स्टेट था। अब इसको क्या कर दिया है, यहाँ से डिवाइड करके टू यूटीज में बांट दिया है। एक यूटी ये हो गई यूनियन टेरिटरी और एक ये हो गई। ओके, आपका क्वेश्चन क्या है देखेंगे। यस, दिस इज योर क्वेश्चन। विच टू यूनियन टेरिटरीज, यूटीज मतलब, हैव बीन फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को जो यहाँ पर आपको स्टेट दिखा था, इसको डिवाइड करके जो टू यूटीज बनाई है, उन दोनों के आपको नाम लिखने हैं। आप मैप देख सकते हैं, बुक देख सकते हैं, आपको इसका आंसर कॉपी में लिखना है। ओके बच्चों, अब देखेंगे ये लद्दाख वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे पहुँचते हैं, क्या कह रहे हैं। ओके, द ट्रॉली, ये जो आपको दिख रही है ये ट्रॉली है। ओके, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। बच्चे कह रहे हैं एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हर दिन, रोज़ हमें क्या करना होता है कि ये जो रिवर आपको दिख रही है, ये दिख रही है रिवर, इसको हमें क्रॉस करना होता है स्कूल में पहुंचने के लिए। जैसे ये आपको रोप दिख रही है, यहाँ से इनकी ट्रॉली आती है और ये इस साइड पहुंचते हैं, फिर यहाँ पर अपने स्कूल में जाते हैं। ओके, आगे देखें, द रिवर इज वाइड एंड डीप। जो रिवर है बहुत ही वाइड है, मीन्स चौड़ी है, एंड डीप है मीन्स गहरी है, बहुत ही गहरी है। नेक्स्ट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रॉप अक्रॉस द रिवर। बच्चे कह रहे हैं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रॉप। ये जो रॉप दिख रही है आपको, ये वाली रॉप आयरन की है, इसी तरह यहाँ पर भी है, है ना, आयरन की रॉप है। अक्रॉस द रिवर, ऐसे रिवर के ऊपर से। ओके, ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। बच्चे कह रहे हैं कि ये जो रॉप है वो दोनों साइड से, इस साइड से भी और उस साइड से भी, यहाँ से भी, ये या तो ट्रीज से टाई की हुई है, जैसे ट्री है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सा ट्री है और उससे इसको टाई किया हुआ है, या फिर जो रॉक्स दिखाई दे रही हैं, रॉक्स होती हैं चट्टाने, उनसे उनको बहुत ही टाइट बांधा हुआ है। देयर इज अ ट्रॉली, ट्रॉली क्या होती है देखिए, एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। ये जो आपको ओपन बॉक्स दिख रहा है, यहाँ से ओपन है, किससे बना हुआ है, वुड से, लकड़ी से बना हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रॉली। ओके, याद रखना आपको ट्रॉली किसको बोलते हैं, एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। ओके, देयर इज अ ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैच्ड विद द रॉप। ये जो हमारी रोप है, देखेंगे अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये जो रोप थी हमारी आयरन वाली, ये किससे अटैच होती है, ये जो हमारी ट्रॉली है ये ऊपर जा कर के यहाँ से अटैच होती है। ओके, फोर और फाइव ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली।
ये कह बच्चे कह रहे हैं फोर या फाइव, फोर या फाइव जो बच्चे हैं वो इस ट्रॉली में बैठ जाते हैं। ओके, अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रॉप। आपको पुली दिखाई नहीं दे रही होगी, अब देखें बच्चों ये जो है आपको दिख रही है गोल गोल, आपको थोड़ी देर में इसको क्लियर दिखाएंगे। बच्चे कह रहे हैं अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली, जो ये पुली है ओके, ये ट्रॉली की हेल्प करती है किसमें, टू मूव, यहाँ से मूव करने में। मान लो पहले ये यहाँ थी, अब ये यहाँ पहुँच गई है ना, यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, तो किसकी हेल्प से आती है, इस पुली की हेल्प से आती है। कहाँ थे हम, अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रॉप, इस रॉप पे ऐसे ये मूव करते हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। ओके, वी रिच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही थोड़े से टाइम में हम यहाँ से इस जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ उतरते हैं बच्चे, जैसे ये देखो गर्ल, और फिर ये अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं। देखा बच्चों कितनी डिफ़िकल्टीज़ से ये अपने स्कूल में पहुंचते हैं ना। अब हम देखेंगे पुली और ट्रॉली के बारे में। ओके, यस, नीचे आएंगे, ये हमने अभी पढ़ा। अब यहाँ पे लिखा है लेट अस डू, आओ करके देखते हैं आपको क्या करना है। इसको हम रीड करते हैं, फिर पता चलेगा हमें क्या करना है। ओके, ऑब्जर्व पिक्चर्स वन एंड टू, यहाँ पे आपकी पिक्चर वन है एंड हेयर इज योर पिक्चर विद नंबर टू। इन द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स में चिल्ड्रन आर पुलिंग, पुलिंग होता खींचना, द बकेट्स फ्रॉम द वेल, जो ये वेल दिख रहे हैं कुएं जिनको बोलते हैं। यहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं, ये देखो टू चिल्ड्रंस दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बकेट को, यहाँ बकेट है इसके अंदर गई हुई है, बकेट को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल द डिफरेंस इन द बोथ द पिक्चर्स, इन दोनों पिक्चर्स के अंदर आप डिफरेंस बता सकते हैं। देखो अब क्लियर दिख रहा है आपको, क्या इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, देखो ध्यान से। यस, देखो आया कुछ नज़र, यस, यहाँ पर इस तरह से एक स्टैंड बना हुआ है, देखो ऐसे, जो यहाँ पर नहीं है, है ना, और इसके ऊपर ये पुली लगी हुई है। जैसे याद करो वो पुली जो उस ट्रॉली को खींच, ट्रॉली जिसकी हेल्प से यहाँ पहुँच रही थी, ओके, यही वो पुली है, बट यहाँ पर ये पुली नहीं है। इन दोनों पिक्चर्स में ये डिफरेंस है। ओके, आगे देखो आपको क्या कहा गया है, कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स, डिफरेंस हमने देख लिया, विच वुड बी ईजियर यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स, कौन सी ईजी रहेगी इन दोनों में से आप बताएंगे, क्या इस बच्चे, ये बच्चे, ये बच्चा आसानी से इस बकेट को खींच पा रहा है, या फिर ये बच्चा, किसको ज़्यादा जोर आ रहा है, किसको कम आ रहा है, बताओ बच्चों। अगर हम इस पुली से खींचते हैं तो हमें कम मेहनत लगती है, बट इस तरह से खींचने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये तो छोटी सी बकेट है, लेकिन अगर हमें भारी कोई सामान खींचना हो तो हम इस तरह से नहीं खींच पाएंगे, हम पुली की हेल्प लेते हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं, लुक अराउंड यू, लुक अराउंड यू,
आपको अपने अराउंड लुक करना है, जैसे हमारी बुक का नाम है कि आपको अपने अराउंड आसपास की चीज़ों को देखना है। वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलीज, ये जो पुली है यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऊपर वहाँ बच्चे जा रहे थे वहाँ थी, तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि इन पुली का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ओके बच्चों, जैसे आप देखेंगे इस पिक्चर में, देखें आप यहाँ पे आपको ये पुली क्लियर दिख रही है ना, यहाँ इस तरह से बनी हुई है ये वाले, इसको जो बोलते हैं हम पुली। ओके, यहाँ से रोप आती है, इसके ऊपर से घूमते हुए हम इस बकेट को खींच लेते हैं। यहाँ से जब आती है ना ये इसके ऊपर से घूम के, तो आसानी होती है इसको खींचने में। जैसे वेल से ये बकेट को खींच रही है ये गर्ल, तो बड़ा आसानी से खींच सकती है इस पुली की हेल्प से। ओके, अब इस पिक्चर को देखिए। ओके, देखें ये उस टाइप की नहीं है जो वहाँ पर ट्रॉली बनी हुई थी, वो वुड की बनी हुई थी, लेकिन ये वुड की नहीं बनी हुई है बच्चों, इनको बोलते हैं केबल कार। जैसे कोई ऐसे इलाके हों, जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट है, नीचे से नहीं चला जा सकता, इसलिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग इस तरह की केबल कार्स का यूज करते हैं। ओके, ये वाली जो केबल्स कार होती हैं, ये भी ऐसे एक आयरन की रोप होती है, उसके ऊपर पुली की हेल्प से ऐसे जाती हैं। ओके, यहाँ देखो आयरन रोप है, यहाँ भी है ना। तो इनका क्या यूज होता है बच्चों, जहाँ भी ऐसी जगह होती है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली मूव नहीं कर सकते, ना किसी लैंड ट्रांसपोर्ट से ना पैदल, तब हम ऐसे ट्रॉलीज का यूज करते हैं। ओके, आपको लिस्ट बनानी है कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। ये एक और पिक्चर आप देखेंगे, ये हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स डे की पिक्चर है, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग हो रही है ना। यहाँ पर जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे प्राचार्य जी हैं, पीटीआई सर हैं, क्या कर रहे हैं, फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं। जैसे हमारी असेंबली में भी डेली फ्लैग होस्टिंग होती है, झंडा फहराते हैं ना, इसी तरह से जैसे स्पोर्ट्स डे पे यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पर भी बच्चों पुली का यूज होता है। यहाँ से देखो ये रोप हैं, है ना, जिनको हमारे सर पुल कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं, इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं एक रोप को, और दूसरी रोप से जो फ्लैग है वो ऊपर जाता है, और यहाँ से घूम करके एक रोप ऐसे आ रही है। ओके, यहाँ पर भी जो लगी हुई वो पुली है, देखो अभी फ्लैग यहाँ है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब हमारा फ्लैग ऊपर जा चुका है। ओके, तो इन्होंने पुल किया, यहाँ से पुली से एक रोप आई, यहाँ से इन्होंने खींचा, तो हमारा फ्लैग होस्ट हो गया। ओके बच्चों, इस तरह से आपको आसपास के एग्जांपल्स देखने हैं, कहाँ कहाँ पर पुली यूज होती है, तो उन सब की आपको एक लिस्ट बनानी है। ओके, चलते हैं फिर से लेसन पर। यस, दोबारा रीड करेंगे। लुक अराउंड यू, अपने अराउंड लुक करेंगे, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलीज, लिस्ट देम, जिन जितनी पुली दिख रही हैं यहाँ पे या जिन एग्जांपल हमने जितने देखे हैं वो, और कुछ और सोचेंगे, और आप एक लिस्ट बनाएंगे, नाम लिखेंगे यहाँ यहाँ पे पुली का यूज होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। देखो बच्चों, यहाँ पे पिक्चर में आपको क्या किया हुआ, देखो ये कोट है, एक टेम्परेरी टाइप से यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है, कोट है, कोट के ऊपर इस तरह से एक रोड लगी है, और यहाँ पे पुली लगी है, यहाँ पुली दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर एक रोप है जिससे नीचे ब्रिक को टाई किया हुआ है, और ये लड़की इस
रोप को पुल कर रही है, जिससे ईजली इस पुली की हेल्प से ये जो हमारी ब्रिक है वो ऊपर आ रही है। ओके, इस तरह से बनाने को कहा गया है, लेकिन फिर आप ये नहीं बनाएंगे, लॉकडाउन में हैं, अंदर रहेंगे। अगर घर पे कुछ ऐसा है, छोटी मोटी चीज़ है, आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये आपकी साइकिल का टायर है, जिसकी यहाँ से जो ट्यूब लगी होती है वो हटाई हुई है ना। अगर ऐसा कोई पड़ा हुआ आपके पास वेस्ट है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ये भी एक पुली टाइप में आपका बन जाएगा, यहाँ से आप किसी रोड में इसको फिट करेंगे और यहाँ से रोप को लगाते हुए, यहाँ से रोप को लगाएंगे, या नीचे कुछ ब्रिक वगैरह यहाँ पे टाई कर देंगे और यहाँ से आप पुल करेंगे। ओके, वो आप देखेंगे कि आप इजीली इसको पुल कर पा रहे हैं। ओके बच्चों, अगर नहीं है नो नीड, आप इसको रहने देंगे। ओके, बाद में हम ट्राई करेंगे। बच्चों, ये आपका सेकंड पेज था, इसमें ट्रॉली के बारे में बताया कि ये बच्चे किस तरह से, लद्दाख वाले बच्चे ट्रॉली यूज करके अपने स्कूल में पहुंचते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पुली का यूज़ दिखाया हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं थर्ड पेज पर। देखो यहाँ पर क्या दिखाया है, यहाँ पर कुछ बच्चे सीमेंट ब्रिज का यूज़ करते हैं, क्रिएट करते हैं सीमेंट ब्रिज। जैसे आपको ये ब्रिज दिख रहा है, आपको याद होगा हमारे स्कूल के पास से एक नहर जाती है और उसके ऊपर भी ब्रिज बना हुआ है, सेम ब्रिज है। जैसे ये नीचे से यहाँ पे इनकी रिवर है या स्ट्रीम है, जो भी है, इसके ऊपर से इन्होंने पुल बनाया हुआ है। हमारे यहाँ स्कूल के पास भी ऐसा ही आपको एक ब्रिज देखने को मिलेगा। ओके, वी ऑफन नीड, बच्चे कह रहे हैं वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है जो वाटर बॉडीज़ हैं इनके यहाँ से जाने की, सो वी यूज ब्रिजेज, तो हम ब्रिज का यूज करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट के बने होते हैं, ब्रिक्स के बने होते हैं, जैसे सीमेंट है, ब्रिक्स यूज होती है, एंड आयरन रोड्स, और इनके अंदर आयरन रोड लगती हैं। द ब्रिज मे ऑल्सो हैव स्टेप्स, यहाँ पे देखो आपको स्टेप्स नज़र आ रही होंगे, सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। हमारे वाला जो ब्रिज है वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये सीढ़ियों पे चढ़ते हुए यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आपसे क्या पूछा है। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज, बच्चों ये नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, अपने आप सोचेंगे, डिफ़िकल्ट नहीं है, सोचेंगे क्या किस तरह से आप इन दोनों टाइप के जो ब्रिजेज हैं उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपने बैम्बू ब्रिज भी देखा, जो फर्स्ट वाला आसाम का था, दोबारा देख सकते हैं आप। ये वाला, ओके, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ब्रिज बैम्बू ब्रिज, ओके, और दूसरा ब्रिज सीमेंट ब्रिज है। ओके, हाउ इज दिस ब्रिज, ये वाला ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज, जो वहाँ पे बैम्बू ब्रिज बना था उससे कैसे ये डिफरेंट है, आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, जैसे ये सीमेंट का बना है, ब्रिक्स का बना है, आयरन रोड से बना है, लेकिन वो वाला बैम्बू से बना है, कुछ और भी आप इसमें जो भी डिफरेंस है आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, बच्चों आपसे पूछा है कितने लोग एक टाइम में इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। ओके, आप सोचेंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। नेक्स्ट है, यू हैव सीन हाउ
children use different kind of bridges. आपने देखा ना कैसे जो बच्चे थे वो different kind के bridges use करते थे. जैसे पहले वालों ने bamboo bridge use किया, second वालों ने trolley use की, third पे जो थे उन्होंने cement bridge use किया to cross rivers and other uneven areas to reach school. कैसे किसी ने यूज करते थे टू क्रॉस द रिवर्स, रिवर्स को क्रॉस करने के लिए, और अनइवन एरियाज जैसे हमने देखा था वहाँ पे जो केबल वैन थी, जो केबल कार थी आपकी, नीचे क्या था, फॉरेस्ट था, वो अनइवन एरिया है, वहाँ से हम नहीं जा सकते. तो इनको क्रॉस करने के लिए कैसे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रिजेस को, डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स को यूज करते हैं. ओके, आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, अब देखिए. इफ यू हैड अ चांस, अगर आपको कोई चांस मिलता है, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज. मान लो आपको चांस मिलता है कि आपको कोई भी एक ब्रिज जिसके ऊपर से आपको क्रॉस करना है जिसको, तो आप सोचें कौन से ब्रिज पे आप चलना पसंद करेंगे. बैम्बू ब्रिज है, ओके, ट्रॉली वाला है, सीमेंट ब्रिज है, केबल कार है, या और भी आपके माइंड में जो भी आ रहा है, जैसे सस्पेंशन ब्रिज भी होते हैं ना, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, अगर आपको चांस मिलता है कि किसी एक ब्रिज पे आपको चलना है, तो आप बताएंगे कौन सा ब्रिज आप पसंद करेंगे एंड वाई, क्यों, आपको रीज़न भी बताना है. ओके, तो ये आंसर आप अपने आप देंगे क्योंकि ये आपकी चॉइस है. ओके बच्चों, नेक्स्ट, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल. अब आपसे यहाँ पूछा है, जब आप अपने स्कूल जाते हैं क्या बीच में कोई किसी ब्रिज को क्रॉस करते हैं? यस, जो बच्चे इधर घरसाना से आ रहे हैं तो वो बीच में, यहाँ पे हमारे जो नहर है, इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और यहाँ हमारे स्कूल में पहुँचते हैं. और जहाँ इधर इधर अनूपगढ़ से जो आते हैं वो बीच में जब सर्किल पड़ता है, यहाँ पर यह स्कूल है हमारा, यहाँ पर जो सर्किल पड़ता है, यहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है, जब बन के तैयार हो जाएगा तो आप भी कहेंगे कि हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए आते हैं. ओके, तो आप कहीं से भी आ रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल. आपको स्कूल के रास्ते में अगर कोई ब्रिज आप क्रॉस करते हैं वो आपको बताना है. If yes, अगर करते हो, what is the bridge like? ये कैसा ब्रिज है? Draw its picture. आपको इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है. ओके, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपको पता करना है, what kinds of bridges were there when they were young? जब वो यंग थे, आप जैसे थे, छोटे थे, तो उनके टाइम में किस तरह के, किस टाइप के ब्रिजेस होते थे, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है. आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं. ओके बच्चों, ये था हमारा नेक्स्ट पेज, थर्ड पेज, जिसमें सीमेंट ब्रिज के बारे में बताया था, फर्स्ट में बैम्बू ब्रिज, सेकंड में ट्रॉली, एंड थर्ड में सीमेंट ब्रिज. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट पेज होगा, हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे. ओके, सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. ओके बच्चों, देखेंगे, इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस. अपने हाउस के नियर मीन्स पास में क्या कोई ब्रिज है? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज, इस ब्रिज के बारे में आपको और जानकारी पता करनी है. ओके बच्चों, अगर ऐसा है तो आप उसके बारे में अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि ये ब्रिज कैसा है, कहाँ से बना, कब बना, किस किस चीज़ों से बना. ओके, नेक्स्ट इज, वेयर इज़ द ब्रिज, ब्रिज वो कहाँ पर है? ओवर वाटर, वाटर के ऊपर ऊपर है, या फिर ओवर अ रोड, रोड के ऊपर है,
या फिर बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स, या फिर टू माउंटेन्स हैं उनके बीच में है या फिर कहीं और है। ओके, आपको ये पता करना है उस ब्रिज के बारे में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हु ऑल यूज द ब्रिज, कौन उस ब्रिज को यूज़ करता है। इज इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट, क्या जो पैदल जाते हैं उनसे यूज किया जाता है। एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स, या फिर व्हीकल्स भी यूज करते हैं या फिर एनिमल भी वहाँ से जाते हैं, या सिर्फ पीपल जाते हैं या व्हीकल्स जाते हैं एनिमल भी जाते हैं, कौन उस ब्रिज को यूज करता है। ओके, जैसे हमारे स्कूल के पास जो है उसमें क्या है, पीपल ऑन फुट भी यूज करते हैं, व्हीकल्स भी जाते हैं, एनिमल्स भी जाते हैं, सारे के सारे इस ब्रिज का यूज करते हैं। ओके, तो आपको जो आपके हाउस के नियर है उसके बारे में ये बातें बतानी हैं। ओके, नेक्स्ट इज डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू, क्या ये न्यू है या फिर ओल्ड है। दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ओल्ड का ऑपोजिट न्यू, न्यू का ऑपोजिट ओल्ड। ओके, आपको बताना है जो आपका ब्रिज है वो ओल्ड है या फिर न्यू है। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, इस ब्रिज को मेक करने में बनाने में क्या मटेरियल यूज हुआ। जैसे पीछे हमने देखा उसमें सीमेंट, आयरन रॉड, ब्रिक्स यूज हुई, तो आपके घर के जो नियर ब्रिज बना है उसको आपको बताना है किस मटेरियल से वो तैयार हुआ। लिस्ट सम ऑफ देम, उनमें से कुछ की आपको लिस्ट बनानी है। ओके बच्चों, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, एक ब्रिज की पिक्चर आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, आपको ये नहीं भूलना है कि आपको वहाँ पे ट्रेन भी ड्रॉ करनी है, व्हीकल्स भी, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। मान लो आपने एक ब्रिज बनाया तो उसको क्या क्या क्रॉस करता है, जैसे ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स या फिर लोग, जो जो भी इसको क्रॉस करते हैं उनकी पिक्चर भी आपको ड्रॉ करनी है। इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर, सोचो बच्चों अगर ब्रिज नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक ये आपको सोचना है। ओके, कहीं भी ब्रिज है सोचो अगर वो वहाँ नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम आती। ओके बच्चों, ये आज का हमारा इतना ही लेसन है। नेक्स्ट टाइम वलम के बारे में या जो जो और चीज़ों से डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने इतना पढ़ा है, जितने क्वेश्चंस हैं आप इन क्वेश्चंस को करेंगे कॉपी के अंदर। ये हमारा आज का चैप्टर था, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।